डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। युवक को शॉकिंग से हमला, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। ट्रेन की चपेट में आया युवक, दर्दनाक मौत। मरियादा क्षेत्र में एक बार पुनः लुटेरी दुल्हन की दस्तक, 85,000 रुपए लेकर फरार, पति ने पुलिस में दिया आवेदन। भगवती मानव कल्याण संगठन की मासिक महाआरती संपन्न। दमन और कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने, एक युवक के ऊपर 3 से अधिक लोगों ने चाकू से हमला किया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में युवक के द्वारा बताया गया कि वह खड़ा हुआ था, इसी बीच 3 लोगों के द्वारा उसके ऊपर अचानक से हमला कर दिया। उसे काफी गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद डॉक्टर के द्वारा जबलपुर रेफर किया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं घायल से। निवासी चेतन धैरवाल, मेरे पिताजी का श्री गोपाल प्रसाद धैरवाल नाम है। PLT गड्ढा पर कृष्णा नाम के लड़के और उनके पापा राजन, उनसे मैं बात कर रहा था। और उनके मतलब कि पापा और दोनों ने मिलकर, पापा ने पकड़ा और उनके लड़के ने, जिसका नाम कृष्णा, मैंने जो परिजान ले बना हमला किया, 3 जगह चक्कू मारी, चाकू से हमला किया और मैंने और उन लोगों ने भाग दिया। फिर मैंने अपने दोस्त को बुला के हॉस्पिटल आया। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? कोई भी विवाद नहीं है, कोई बात नहीं। कब की घटना है? 9 बजे की घटना। पुलिस में FIR दर्ज कराई है आपने? अभी कोई FIR नहीं बना, हॉस्पिटल आया हूँ। कृष्णा राज कहाँ कहाँ गली चक्कू? एक जांग में, एक पीठ पे और एक पेट में मानी गुजरी थी, तो मैंने भाग दिया। बड़ापुरा बजरी 8 का रहने वाला, मैं बजरी 4 का रहने वाला। क्या नाम उनका? उनका नाम है, पापा का नाम है उनका राजन, जिनने मुझे पकड़ा था, और लड़के का नाम है कृष्णा, कृष्णा कृष्ण। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरबरिया, लखी डीसीएन न्यूज। ग्राम लोहारी में एक विवाद हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल के द्वारा बताया गया कि ग्राम के 4 लोगों ने एक राय होकर उसके ऊपर हमला किया है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपको? महेंद्र नायक। क्या हो गया आज? आज केशव नायक, मोहन नायक, कन्हई नायक और उनका बालक, 4 लोगों ने, मैं अपने घर पर पड़ा था, बुआई पहले यहाँ से मैं पानी जबरदस्ती, मेरे बाप दादों की निजी संपत्ति है, जिसमें वो लोग आए कहले यहाँ से जबरदस्ती नाली करेंगे, और नहीं किया तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। इसलिए मैं अपने घर पर पड़ा था, वहाँ से मैं बाहर निकला। मैंने भाई साहब क्यों मर्डर करोगे आप? कहले नहीं, मुझे तो तुम्हारा मर्डर करना ही है, मैं तो तुम्हारे नाम की दाढ़ी रखाए हुए हूँ और कसम खाए हैं कि जब तक तुम्हारा मर्डर नहीं करूंगा, जब मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जिसमें केशव नायक ने आनकर मेरे सर पर तलवार का वार किया, इसके बाद में मैं गिर गया। इसके बाद मोहन नायक ने मेरे दाहिने पैर में लाठी, कन्हई नायक ने दाहिने कंधे में लाठी से वार किया। कहाँ की घटना है? लोहारी ग्राम की घटना है, जो कि मैं अपने दरवाजे के सामने, उनके घर, उनका मकान बाजू से लगा हुआ है। मैं सहज हो रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये किस प्लानिंग से है। इनकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही है मर्डर की, कि हमको मर्डर करना है। थाना कौन सा लगा था? थाना हटा। संजय सरबरिया, लखी डीसीएन न्यूज। मरियादा थाना अंतर्गत एक लुटेरी दुल्हन 85,000 रुपए लेकर फरार हो गई है। इस क्षेत्र की यह दूसरी घटना है। पीड़ित पति के द्वारा पुलिस में शिकायती आवेदन देकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मरियादा थाना क्षेत्र के कनकपुरा गांव का पीड़ित व्यक्ति है, जिसका नाम कन्हई यादव है। पुलिस में लिखित शिकायत की है, कुछ लोगों के नाम भी उसके द्वारा दर्ज कराए गए हैं।
बताया गया कि शादी के दूसरे दिन लुटेरी दुल्हन के पास एक फोन आया कि उसकी भतीजी ने जहरीला पदार्थ पी लिया, उसकी स्थिति काफी गंभीर है, छतरपुर में उसे दाखिल किया गया है। इसके बाद एक मोटरसाइकिल से कुछ लोग पहुंचे और दुल्हन को लेकर फरार हो गए। आज कन्हैया यादव जी हैं, मैं कनकपुरा के, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्हें बताया गया है कि एक राम राजा सोनकिया हैं छतरपुर की तरफ, उनके द्वारा एक लड़की से शादी की बात चलाई गई थी और लड़की को यहाँ आ गई थी। लड़की ने अपना नाम ज्योति यादव बताया था, जो लड़की यहाँ पर एक दिन रही थी और अगले दिन चली गई थी। इसमें इसमें बीच में कुछ पैसे के लेन देन की बात भी हुई थी। आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, इसके संबंध में जांच की जा रही है, जाँच जैसे आगे कार्रवाई की गई। मर्यादा से सुधीर मिश्रा के साथ संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के द्वारा लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। आम चोपरा मेहता बगीचा में काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, आए दिन वाहन फंस जाते हैं, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है। बताया जाता है कि सलैया की ओर जा रहा था, टू व्हीलर में फोर व्हीलर ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पीड़ित व्यक्ति की माने तो फोर व्हीलर चालक काफी शराब पिए था, जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या नाम है आपको? लेवर राम साहब। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था। ना से जा रहे थे, सलैया जा रहे थे, तो उस साइड से चार लड़के थे, दारू पिए थे फोर व्हीलर से, उनने सीधी गाड़ी, इतनी तेज गाड़ी थी बहुत ज़्यादा, कंट्रोलिंग नहीं हो पाई गाड़ी से, उनने सीधी मार दी हमारा। आप कैसे थे? हम टू व्हीलर से थे। काय के लिए जा रहे थे? अरे ऐसे काम से, मतलब दोस्त ही के थे, तो बस बीच में माँ से गाड़ी जा रही थी और ना से हम जा रहे थे, हम तो सिलो जाते हैं, बाकी उसने बहुत जम के गाड़ी मार दी। गाड़ी नंबर उम्र है उस गाड़ी पास नहीं आ रहा था, हम तो बीवो से सवारी ले आए थे। कहाँ के जाने वाले हो? संजय सरवरी, लकड़ी सी न्यूज। दमोह कटनी रेलवे ट्रैक पर घटेरा में रेलवे क्रॉसिंग करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। युवक का नाम संजू है, जिसकी मौत हुई है। बताया जाता है कि काफी गंभीर स्थिति थी, ट्रेन सामने से आ रही थी, युवक को नजर नहीं आई, मालगाड़ी से ये टक्कर हुई है, जिसके बाद युवक को काफी गंभीर चोट आई थी, जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। नाम है दादा आपका? हिम्मत सिंह। क्या हुआ है? एक्सीडेंट ट्रेन की मालगाड़ी से। कैसे, क्या एक्सीडेंट हुआ है? ये पाप का था, उसका नाम संजू है, उसके पाप का नाम महरा सिंह। किस जगह के रहने वाले हैं? घटेरा। कब की घटना है? एक घंटा पहले। आप इनके कौन हैं? बड़े पापा। आपका नाम? हिम्मत सिंह। ये एक्सीडेंट कौन सी गाड़ी से हुआ है? मालगाड़ी। संजय सरवरी, लकड़ी सी न्यूज। डॉक्टर्स डे के अवसर पर दो में एक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, बड़ी संख्या में डॉक्टर यहां पर मौजूद थे, मरीजों की संख्या भी काफी अधिक थी, लोगों के द्वारा इस कैंप का लाभ लिया गया। दमोह के सरस्वती शिशु मंदिर में इस कैंप का आयोजन किया गया, आईएमए के द्वारा इसका आयोजन किया गया। बताया गया कि 150 से अधिक डॉक्टर यहां पर मौजूद थे। डॉक्टर्स डे कल हमारा 1 जुलाई के लक्ष्य में आज का कैंप संयोजित किया गया है। ये कैंप पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें करीब 150 से ज़्यादा डॉक्टर आज पूरे जिले भर के डॉक्टर अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं और अभी भी लगे हुए हैं।
करीब करीब 5000 पेशेंट का अनुमानित अभी तक देखना हो गया है अलग अलग ओपीडीज में, और इसमें स्पेशलिटीज़ वही जो सुपर स्पेशलिटी के कुछ विभाग हैं उसके भी डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से दमोह जिले भर में लोगों को ये फ़ायदा पहुंचेगा और इसका लोग लाभ उठा रहे हैं और उठाएंगे। सर ये कार्यक्रम कितनी टाइम से शुरू हुआ, कितनी टाइम तक चलेगा? ये सुबह 10 बजे इसका शुरुआत हुई थी और 4 बजे तक का टाइम है, लेकिन ऐसा देखने में लग रहा है कि 4 बजे तक नहीं हो पाएगा और भी अधिक लोगों को टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए हमारी टीम तैयार है। संजय सरवरी, लखीडीसिया न्यूज़। अतिथि शिक्षक संघ बरसों से आंदोलन कर रहा है लेकिन आज तक इन्हें न्याय नहीं मिल पाया, यही कारण है कि अब ये आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। इनका कहना है कि अब सरकार से आर पार होगा, बड़ा आंदोलन होगा। इसके अलावा कई अन्य मांगे भी इनकी, सरकार से क्या चाहते हैं इस संबंध में आज इनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहाँ पर संघ के प्रमुख चंद्रशेखर राय के द्वारा अपनी बात रखी गई। जिला अतिथि शिक्षक संघ दमोह द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसका प्रमुख विषय अतिथि शिक्षक संघ में जो मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूलों में जो 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं अतिथि शिक्षक, उनके नियमितीकरण के संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी गई है। सर्वप्रथम मैं इस वार्ता में पधारे समस्त हमारे प्रेस आज बंधुओं का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। आज का मुख्य विषय नियमितीकरण है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कुछ दिन पहले रोजगार सहायकों को नियमितीकरण किया है, उनका वेतन दुगुना किया है। तो हम 15 वर्षों से शासकीय स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, हम संपूर्ण अर्हताएँ रखते हैं। जैसा कि 2018 में एक आदेश निकला था अतिथि शिक्षकों के संबंध में कि ये अर्हताएँ अगर रखें तो इनको सरकार नियमित कर सकती है। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनेस जी ने भी एक आदेश किया था 2014 में कि अगर अतिथि शिक्षक अर्हताएँ रखें जैसे पात्रता परीक्षा पास, बीएड, डीएड, अनुभव, तो ये सभी अर्हताएँ हम रख रहे हैं। जैसे आपने गुरुजियों को 3-3 बार परीक्षा लेके नियमित किया था, तो वैसा हम चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक चाहते हैं कि हमारी भी आप जो नियमितीकरण की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी से निवेदन है कि वो हमें भी इसी तरह नियमित कर। मैं सभी के बच्चों को शिक्षा देते हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और प्रदेश का रिजल्ट जो अभी नंबर 1 आया है दमो का, हम लोग पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं। और साथ ही मैं देश के चौथे स्तंभ मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आप भी हमारी बात प्रदेश स्तर पे रखें, न्यूज़ चैनल पे निकलवाएं, ताकि हम लोग का भविष्य सुरक्षित हो। हम आप लोग की जनवरी से वेतन हम लोग की नहीं आई, जुलाई लग गया, जनवरी से हम लोग को वेतन नहीं दिया। उनसे हम लोग का जो बिल, वेतन बिल सब कंप्लीट है, पोर्टल पे डला हुआ है। प्रशासन से बात करते तो बताते हैं कि अभी सरकार लाडली बहना में जो पैसे इन्वेस्ट कर रही है, इस वजह से हम लोग को जानकारी मिलती है, इस वजह से आपकी वेतन नहीं आ रही। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़। तब सागर जिले के गड़ाकोटा में नटराज ऑडिटोरियम में लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा गड़ाकोटा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं बाढ़ वासियों सहित लोगों को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत 1100 हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र एवं पट्टा एक ही मंच से वितरित किए। लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा गया। सभी हितग्राहियों के द्वारा मंत्री श्री भार्गव का आभार जताया गया। मंत्री भार्गव ने संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। दूर दराज से तुम्हारे हमारे सभी ग्रामवासी, माताएं, बहने, राजस्वार कड़ाकोटा के सभी अधिकारी, कर्मचारी, आप इस आयोजन में अल्प समय की सूचना पर यहाँ पधारे, हमारी परिवार का गौरव बढ़ाया, इसके लिए आप सभी से भी साफ सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त कड़ाकोटा तहसील के पूरे अधिकारी कर्मचारी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। उन्हें आपसे यह अनुरोध है कि जिन लोगों को भी पट्टे मिलना है
दुपट्टे आपके हल्का के पटवारी आपको आज ही यही प्रदान करेंगे। सभी लोग कृपया शांति से बैठे रहे, व्यवस्था बनाए रखें। कोई भी अधिकार पट्टे हैं जो लोग कागज थे उनको आधिकारिक रूप से पट्टे दिए गए हैं। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, पट्टे नहीं थे उनके लिए। जमीन को आबादी घोषित करके उसको भी पट्टे दिए गए हैं। ऐसे लगभग 1100 से ज़्यादा लोगों के लिए राजकोटा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के थे, गाँव के थे, उन लोगों के लिए आवास पट्टे दिए गए हैं। तो वहाँ पर लोग टीम बनाए, ट्रेनों का आवंटन भी होगा। उसके अलावा जिनकी बन गई है उनकी जगह उसी जगह को उनको पट्टे दिए हैं ताकि वह कुटीरें जो हैं उनकी वैध स्वरूप ले सकें, क्योंकि बगैर पट्टे के कुटीरें जो हैं बगैर होने की। एक तो ये था विषय, उसी के लिए सभी लोग आए और मुझे काफ़ी खुशी है कि ऐसे हजारों गरीब परिवारों में जो कि अभी तक आवास से जमीन के एक टुकड़े से वंचित उनके लिए सहायता का होगा बगैर किसी शुल्क के, बगैर एक पैसा था उनके लिए अपनी सरकार ने मदद करवाई। मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार के लिए, अपने नेताओं के लिए और सभी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद देता हूँ। मध्य प्रयोग किया, अब इसके बाद हमारे शहरी क्षेत्र के नगरी क्षेत्र जो है गड़ाकोटा रैली और शायद इसमें भी लगभग कुल मिला के 500 करीब पट्टे शहरी क्षेत्र के आवास पत्रों का दिया। इसके बाद 10 जुलाई के बाद वितरण किया जाए। सर आज पट्टे वितरण हुए तो लगभग कितने? आज गड़ाकोटा में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत माननीय मंत्री महोदय श्री गोपाल भार्गव जी के द्वारा गड़ाकोटा तहसील के 60 ग्रामों के 1100 से अधिक अधिग्राहियों को आवासीय भूखंड के अधिकार पत्र यानी पट्टे प्रदाय किए गए हैं। इस योजना में इन अधिग्राहियों को पट्टे मिलने के बाद प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा और उन्हें अपने भूखंड पर मालिकाना हक मिलेगा। कार्यक्रम में तहसील के 60 से अधिक लगभग 1100 से अधिक लोगों को लाभ दिया गया। कार्यक्रम में SDM गोविंद दुबे, तहसीलदार कुलदीप पारसर, सुरेश कपस्या, संतोष पटेल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन विक्की जैन के द्वारा किया गया। श्री गौर राधारमण मंदिर दमोह की मासिक प्रभात फेरी श्री मदन मोहन मंदिर अभिनव होम से प्रारंभ हुई। अभिनव होम कॉलोनी में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, हम आपको बता दें कि हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। प्रत्येक माह की 1 तारीख को तमाम शोभा यात्राएं एक साथ निकाली जाती हैं। प्रभात फेरी में सत्संग चर्चा एवं हरिनाम संकीर्तन का आयोजन होता है। भक्त भाव वो नजर आए। लकड़ी से न्यूज़ दिखाओ।
रहे हैं। दमोह शहर में भी बड़े शहरों की तर्ज पर घुटने बदलने का काम प्रारंभ हो गया है। मिशन अस्पताल में ये सुविधा प्रारंभ हुई है। अब दमोह के मिशन अस्पताल में एक बेहतर सुविधा उपलब्ध हुई है, जहाँ पर लोगों को बाहर जिला जाना पड़ता था और महानगरों का रुख करना पड़ता था, अब वो इलाज यहाँ पर संभव है। एक महिला, बुजुर्ग महिला के पैरों में तकलीफ रहा करती थी, घुटने में दर्द हुआ करता था और जब चेक किया गया तो उसका घुटना खराब हो चुका था और आखिरकार यहाँ मिशन अस्पताल के डॉक्टरों ने उस घुटने को बदल दिया, वो भी 24 घंटे के अंदर मरीज चलने फिरने लगा। जी हाँ, आइए दिखाते हैं आपको, यही है वो मरीज। ये टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, जोड़ प्रत्यारोपण लेफ्ट घुटने का, और मिशन अस्पताल में हुआ है। मिशन अस्पताल में अभी नया ऑपरेशन थिएटर बन गया है जो आधुनिक है, जो नी रिप्लेसमेंट जैसे बड़े ऑपरेशनों के काबिल है और दूरबीन द्वारा लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के काबिल है। डॉक्टर अजय लाल द्वारा ये हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अब दमों में जो इतनी बड़ी सर्जरीज थी जो पॉसिबल नहीं थी, उसके लिए हमने इनका एक्सरे करवाया तो एक्सरे में घुटने बहुत ख़राब हो गए थे, घिस गए थे, तो उन्हें पेन फ्री चाहिए था कि मुझे दर्द ना हो, ऐसा कुछ हो जाए, तो इसके लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो सबसे हाई मानी जाती है वो हमने सक्सेसफुली परफॉर्म करी है। पेशेंट आज से वॉक करने लग गया है। ये जानकारी देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जिले के लिए और प्रदेश के लिए कुछ नई सुविधाएं मिशन अस्पताल में उपलब्ध कराई गई हैं। नया कैथ लैब लगा हुआ है जो कि प्रदेश की उत्कृष्टतम मशीन है और यहाँ पर हृदय से संबंधित एंजियोग्राफी हो जाती है, एंजियोप्लास्टी हो जाती है, स्टेंट्स डल जाते हैं, पेसमेकर डल जाता है। जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है जो हमारे युवा विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय दुआ के द्वारा सर्जरी की गई मिशन हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ओटी भी तैयार है और सारी सुविधाएं जो है प्रदेश के किसी भी अस्पताल से कम खर्च में यहाँ हर एक को उपलब्ध है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जन सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए एक कदम और मिशन हॉस्पिटल ने बढ़ाया है। आप सबों का सहयोग, आपका सद्भाव और आपकी प्रार्थनाएं हमारे साथ बनी रहे, इसकी मैं याचना करता हूं। धन्यवाद। बटियागढ़ के ग्राम घनश्यामपुरा में हरसिद्धि प्रांगण में प्रत्येक माह के पहले रविवार को भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा इस भव्य महाआरती का आयोजन किया जाता है, जहाँ गुरुवर की आरती होती, जहाँ माँ के जयकारे लगाए जाते हैं, माँ भगवती की आरती होती है, संगत ध्वनि होती है, गुरुवर की भी आरती की जाती है। बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी एवं गुरु भाई बहने मौजूद रहते हैं। Ah!
सर्वर लकी डी सी एन न्यूज दबाओ। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। युवक को चाकू से हमला, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। ट्रेन की चपेट में आया युवक, दर्दनाक मौत। मर्यादा क्षेत्र में एक बार पुनः लुटेरी दुल्हन की दस्तक, 85,000 रुपए लेकर फरार। पति ने पुलिस में दिया आवेदन। भगवती मानव कल्याण संगठन की मासिक महाआरती संपन्न। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन एक पुनः हाजिर होंगे, तब तक भी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। समस्त प्रकार के रत्नों को प्राप्त करने के लिए, जैसे पुखराज है, मूंगा है, माणिक्य है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पर मेरा नंबर आप देख करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज फिर आप व्यापार में अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। आज आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप धैर्य से काम लें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आप हनुमान जी की आराधना करें तो और भी लाभ होगा। मिथुन राशि, आज आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता के योग हैं। भाइयों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। आप अगर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसको आप टालें। कर्क राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। सगे संबंधियों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। ईर्ष्या किसी से ना करें, आपके कार्य सफल होंगे। व्यापार में भी आप सफल होने का योग बना रहे हैं। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन मनोवांछित सफलता को प्रदान करता हुआ दिख रहा है। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप आज बड़ी लंबी यात्रा को कर सकते हैं। भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि, आज आप बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होती है दिख रहे हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आप अच्छी खासी सफलता को प्राप्त होंगे। योग ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। तुला राशि, फिर दिन आपका है, नक्षत्र आपका है, सितारे आपके हैं, आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। कर्ज से आज आपको छुटकारा मिल जाएगा। वृश्चिक राशि, आपको भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। विद्या का लाभ भी आज आपको होगा। धनुराशि के जातक आज यात्रा करेंगे। भाइयों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। शिव आराधना करें। दसवीं राशि मकर। मकर राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। हल्का सा आपको मानसिक तनाव दोपहर के बाद हो सकता है, शाम तक सब ठीक होगा। आप आज व्यापार में सफल होंगे। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन शत्रु पक्ष से हानि करा सकता है, लेकिन अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको लाभ होगा। व्यापार में शाम तक आपको सफलता के योग हैं। मीन राशि के जातक आज व्यापार में सफल होंगे। भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य आज आपका उत्तम रहेगा। ये था आज का आपका राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।